तो जी गाइस देखिए मॉर्निंग हो गई है और मतलब आज जो है इनके पापा गए नहीं हैं। वो क्यों नहीं गए हैं मैं आपको बताऊंगी। और ये देखिए पूरियां लेकर आए हैं, सब्जी है, हलवा मंडी है और यहाँ बच्चों के लिए देसी घी में ब्रेड सेके हैं, ये बंद है और चाय हमारी बन रही है। चाय भी मैं अभी लेकर के आऊंगी। तो चलिए पहले कर लेते हैं फटाफट से नाश्ता, फिर नाश्ते के बाद मिलते हैं हम आपसे। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो जी गाइस सब खैरियत से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से हम भी अच्छे हैं, खैरियत से हैं। हाँ वो नाश्ता कर रहे थे ना, तो इसलिए मैंने कहा चलो बाद में देखते हैं। तो सब काम से जो है हम फारिग हो चुके हैं, सारा काम हो चुका है, घर का भी नाश्ता वगैरह भी कर लिया था और बच्चे जो है पढ़ने के लिए गए हुए हैं। तो काम वाम करके बस थोड़ी ऐसी हिम्मत हो जाती है ना, तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं करा था, अब स्टार्ट कर रही हूँ। और अब जो हो चुकी है शाम। और हाँ, इनके पापा क्यों नहीं गए हैं, वो यूँ नहीं गए हैं क्योंकि मुहर्रम के बाद इनका चेल्लम आता है ना, तो आज ना वाइट ताज़िया निकल रहा था, सफ़ेद ताज़िया। तो रास्ते सुबह से ही बंद होते हैं, फिर सुबह में जाते एक दो घंटे चलाते, फिर उसके बाद मतलब जगह नहीं मिलती है, जाम वाम लग जाता है ना और रास्ते भी बंद हो जाते हैं, तो इसलिए ये आज नहीं गए थे काम पर। और आप सुना आप खेल जैसे है ना। और कल भी मैं ब्लॉग डालती बनाती तो मैंने यूँ नहीं बनाया था, बस परसों भी मतलब थकान हो गई थी। और कल भी हम दावत में गए हुए थे, कहाँ गए हुए थे, अलीना की दावत थी, तो कल मैंने मतलब ब्लॉग नहीं बनाया था। तो मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ और जब बच्चे आ जाएंगे ट्यूशन से तो फिर देखते हैं। कुरान खानी थी भाभी के मतलब भाई की, तो मतलब उस चीज़ की दावत थी, उन्होंने घर शिफ्ट करा है दूसरा नया, तो किराए पे ही लिया है, तो उस चीज़ की दावत थी। तो चलिए मिलेंगे आपसे थोड़ी देर के बाद। तो जी गाइस शाम हो चुकी है और ये चाय बनकर आ गई है, ये देखिए चाय। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मतलब पापे वगैरह है, मट्टी है, खाएंगे तो खा लेंगे। तो चलिए चाय वगैरह पी लेते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे किचन में। मैंने आटा गूंथ के रख दिया है और बच्चे भी पढ़ कर आ चुके हैं, तो चलिए पीते हैं अपनी चाय। तो जी गाइस मैं किचन में आ चुकी हूँ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, आटा हमारा गूंथ के रख दिया है और हमने चाय भी पी ली है। बर्तन इधर पड़े हुए हैं मतलब रखे हुए हैं, अभी मैंने धोऊंगी। और ये रहा कीमा, इसको भी मैंने जो है वॉश करके अच्छे से रख दिया है, इसका सारा पानी निकल गया है। तो आज हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं आलू कीमा। तो अभी जो है हम जो है इसे वॉश कर लिया है ना, पानी निकल गया, तो हम इसे कुकर में डालेंगे और कुछ अपने मसाले डालेंगे। तो आलू कीमा बना लेते हैं, आज बहुत दिन हो गया, बहुत दिन हो गए हैं। और ये देखिए ये अपना डोल हाउस ले हुई है यहाँ पर, ये खेल रही हैं, पढ़कर आ गई हैं। तो चलिए कर लेते हैं काम। तो जी गाइस हमने जो है अपना कीमा कुकर में डाल दिया है और हमने यहाँ पर कुछ मसाले निकाले हैं। तो एक चौथाई चम्मच इसमें हल्दी है, एक टेबल स्पून में ज़ीरा है, दो लौंग हैं, तीन से चार काली मिर्चें हैं, एक डेढ़ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, एक टेबल स्पून धनिया पाउडर है और एक ही टेबल स्पून इसमें मिर्ची पाउडर है, नमक अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग और एक प्याज। तो ये मसाले जो है हम इसमें कीमे में डाल के रख देंगे, तेल डाल लेंगे, इसकी थोड़ी भुनाई आने होने देंगे, फिर उसके बाद से जो है ये प्याज और हरी मिर्चें हम जो है एक साथ इसमें डालेंगे, आलू भी डाल देंगे। तो जैसे जैसे मैं करती रहूँगी आपको दिखाती रहूँगी। तो जी गाइज हमारा जो है माशाल्लाह कीमा भुन के तैयार हो चुका है, देखिए इसने तेल भी कितना छोड़ दिया है। अब हमने जो है यहाँ पर दो आलू कट कर लिए हैं, ये इस तरीके के कर लिए हैं और हमारी यहाँ पर रोटी भी तैयार हो गई है। तो चलिए हम इसके अंदर जो है, ये रही देखिए मैंने दिखाई थी आपको, एक मीडियम साइज़ की प्याज और तीन से चार हरी मिर्चें मैंने कट कर ली है, हम इसके अंदर डाल देंगे, आलू भी धो के इसमें ही डाल देंगे। और इसमें जो है हल्की सी एक सीटी ले लेंगे तो हमारे आलू भी गल जाएंगे। इतने हमारा सालन तैयार हो जाएगा तो इतने हम अपना किचन समेट लेंगे, फिर सालन तैयार हो जाता है तो हम आपको दिखाते हैं। तो जी गाइस हमारा जो है सालन देखिए माशाल्लाह से तैयार हो चुका है और देखने में लग रहे हैं ना बढ़िया, और खाने में भी उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा माशाल्लाह से। और इधर खीरा कट कर लिया, मैं नींबू भी लेकर आ गई हूँ, तो मैं थोड़ा नींबू डाल के खाऊंगी। तो आइए आप भी खा लीजिए खाना और मिलेंगे फिर आपसे खाने के बाद। सालन तो अच्छा ही बना हुआ होगा, बना अच्छा ही बनता, अच्छा क्या बना हुआ होगा। तो चलिए खाते हैं खाना। तो
जी गाइस, खाना पीना जो है हमारा हो चुका है, और जो है मतलब चाय भी पी ली थी और बर्तन वगैरह भी धो के जो है रख दिए थे। तो है ना, मेरा ना सर में थोड़ा दर्द हो रहा था तो मैं लेट गई थी, तो अब मैं उठी हूँ। तो बस यही है और कुछ नहीं है। और माशाल्लाह सालन हमारा जो है बहुत अच्छा बना था, टेस्टी बना था, खाने में मज़ा ही आ गया। और आप भी ट्राई करिएगा, आप भी बना के खाइएगा, और आप किस तरीके से बनाते हैं आप ये भी बताइएगा। और मैंने ना हाथ का कीमा मंगवाया ना, तो बहुत ज़्यादा मोटा मोटा हो जाता है, तो मैंने कहा थोड़ा है ना मतलब थोड़ा बारीक करवा लेना, तो यही टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है। और बस यही है और कुछ नहीं है, और मतलब इतना कुछ खास हुआ नहीं है। और बस आप लोग बताइएगा कि आपने डिनर में क्या बनाया। हमने तो आलू कीमा बनाया था। और जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक दें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। और ब्लॉग अच्छा लगे तो दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करें, कमेंट कीजिए करें, लाइक भी दीजिए करें। और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताएं, और आप क्या देखना चाहते हैं ये भी बताएं, और हमारे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं आप ये भी बताइएगा हमें। तो चलिए, आज का ब्लॉग जो है इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और दुआओं में याद रखिएगा, हम भी सबको दुआओं में याद रखते हैं बस। और चलिए तो फिर रखते हैं, मिलेंगे आपसे बाद में। तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।